हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी राफी का यूट्यूब चैनल एएम के सपोर्ट पे। तो गाइस फिर से एक बार मौका आ गया फ्री पे पेटीएम कैश अर्निंग करने के लिए। तो गाइस इस वीडियो के अंदर आपको मैं फ्री पेटीएम कैश अर्निंग करने के लिए एक नया ऑफर्स के बारे में बताऊँगा जो पेटीएम की तरफ से ऑफिशियली लॉन्च हो गया। तो इसके अंदर आप जो बहुत ही आसानी से 40 रुपीज़ और अपना लाख खराब चल रहा है तो आप 20 रुपीज़ अर्न कर सकते हो। अगर आपका लाख अच्छा है तो आप बहुत ही आसानी से 40 रुपीज़ अर्न कर सकते हो। तो गाइस चलिए वीडियो के जो ऑफर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस ऑफर्स के अंदर आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना है तो सबसे पहले वो आपको बता दे। तो उससे पहले मैं आप लोगों के छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों के पास कि गाइस अगर आपने ये वाला वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे जब भी आपका फ्री पेटीएम कैश अर्निंग करने की मौका मिलेंगे उसका जो नोटिफिकेशन है मेरी तरफ से आपको मिल जाए। तो चलिए ऑफर्स को आपको बता दे। तो गाइस ये जो ऑफर्स आ रहा है पेटीएम की तरफ से आ रहा है तो यहाँ पर जो यूजर स्पेसिफिक ऑफर है तो पहला जो ऑफर्स है वहाँ पर आपको 40 रुपीज़ का कैशबैक मिलने वाला है और दूसरा ऑफर पे आपको जो 20 रुपीज़ का कैशबैक मिलने वाला है। तो दो जो ऑफर्स है वो एक ही अकाउंट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो दो जो ऑफर्स है वो अलग अलग अकाउंट पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि अगर आपका अकाउंट पे 40 रुपीज़ वाला कैशबैक वाला ऑफर शो हो रहा है तो आपका अकाउंट पे जो 20 रुपीज़ कैशबैक वाला ऑफर शो नहीं होंगे, और उसके साथ साथ अगर आपका अकाउंट पे 20 रुपीज़ कैशबैक वाला ऑफर शो कर रहा है तो आपका अकाउंट पे 40 रुपीज़ वाला जो UPI ऑफर है कैशबैक ऑफर है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए 40 रुपीज़ कैशबैक वाला जो ऑफर है इसके अंदर आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना है मैं आपको बता दो। तो इस यहाँ पर आपको जो मिनिमम ट्रांजेक्शन है वो 2500 करके आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना है, 2500 रुपीज़ करके आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना है। जो टोटल ट्रांजेक्शन है वो आपको यहाँ पर जो 20 ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ और भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो पेटीएम का हर UPI ऑफर पे रहता है तो आप किसी भी जो UPI एड्रेस पे आप मनी सेंड करते हो तो आपका जो ये ऑफर के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये जो ऑफर से बहुत ही आसान से ऑफर से अगर आपका अकाउंट पे ये वाला ऑफर शो कर रहा है तो आप जल्दी से जाके ये वाला ऑफर अपने अकाउंट पे एक बार अप्लाई कर लेना, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो गाइस अगर आपका अकाउंट पे 40 वाला कैशबैक ऑफर नहीं शो कर रहा है तो अगर आपका अकाउंट पे मैं 100% सियोरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका अकाउंट पे जो 20 रुपीज़ कैशबैक वाला ऑफर्स है वो ज़रूर शो करेंगे। तो ऑफर्स का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन करना है, सभी कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो थोड़ी देर आप वेट कर लीजिए, यहाँ पर लोडिंग हो रहा है पेटीएम के अंदर, तो मैं आपको बताऊँगा कि कितने अमाउंट का आपको ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। तो इस 20 रुपीज़ कैशबैक वाला जो ऑफर है उसका बैनर कुछ इस तरह से आपको शो होने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैट 20 रुपीज़ कैशबैक ऑन UPI मनी ट्रांसफर। तो यहाँ पर सबसे लिखा है कि अगर आप 10 UPI ट्रांजेक्शन करते तो उसके लिए आपको 20 रुपीज़ का कैशबैक दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम ट्रांजेक्शन है वो 1500 रुपीज़ का आपका ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन आप जो करने वाला तो एक ही UPI हैंडल पे आप 10 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 10 ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको 20 रुपीज़ कैशबैक देने वाला है। तो इस बहुत दिन बाद पेटीएम की तरफ से बहुत ही धासू दो कैशबैक ऑफर्स आया, UPI कैशबैक वाला ऑफर्स। तो मैं आपको कहना चाहते हो कि गाइस जितने जल्दी हो सके इस ऑफर्स को आप लूट लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पेटीएम का जितने भी सारे ऑफर्स आते हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते, अपना दम जो तोड़ देता है। तो जल्दी से जल्दी ये वाला जो ऑफर्स आया है पेटीएम की तरफ से जल्दी अप्लाई कर लीजिए ताकि आप सोच में रहे कि कौन सा वाला ऑफर्स आपको अप्लाई करना चाहिए और सोच में ही आपका जो ऑफर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी ऑफर्स को अप्लाई कर लीजिए। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि दोनों का दोनों ऑफर्स जो मैं आपको बताया वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो भी आपको पसंद भी आ गया होगा। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो मत ही भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तो मैं पहले ही बता चुका हूँ तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस चलिए फिर से एक बार मुलाकात होगी अगली एक वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।